तो आपको लगता है कि इसका कुछ सोल्यूशन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं? ओके, नो, देयर इज नो सोल्यूशन. ओके, द चेंज इज कमिंग ग्रेजुअली एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉर सिल्वर बुलेट्स बिकॉज दैट्स नॉट इवन पॉसिबल. देयर इज नो मैजिकल सोल्यूशन टू द होल थिंग. ये चीज इतनी पुरानी है कि आज के दिन नहीं है. जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, ह्यूमन जो सिविलाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, इसकी जड़ें और मजबूत होती चली गई. अवेयरनेस अगर किया जाए तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो सोशली एक्सेप्टेड चीज़ है कि ये पैट्रियार्कल है तो ये तो एग्जिस्टेंस है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते. देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स वेयर मैन हैव समथिंग इन देयर माइंड सबकॉन्शियसली दैट वुमेन आर इन्फीरियर टू मैन व्हिच नीड्स टू चेंज इन आवर सोसाइटी. इसका एक सलूशन ये हो सकता है कि आप फीमेल को पढ़ाइए लिखाइए और उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाइए. लेकिन इकोनॉमिकली बनाने का मतलब ये नहीं कि बाकी एस्पेक्ट उसको सोशली भी अवेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं भी उसी चीज़ को मानती हैं. रिप्रेजेंटेशन हर जगह, औरतों का रिप्रेजेंटेशन, उससे पहले पढ़ाई, क्योंकि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़नी चाहिए हर उस क्षेत्र में जहाँ ताकत हो. जब ताकत उनके पास आएगी तो सभी उनके नीचे आएंगे, हमें ऐसा लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अप्रिशिएट that it exists in a society, get educated, send your children more and more to school in a co-ed environment where they see girls performing in most of the exams. Today you see girls far outperforming the males. I think the first thing should start at home, because unless a girl is made to feel that she can go out and change the world, there's no point in doing anything. From childhood, guys are taught that, you know, you should respect women, you should respect each gender actually, whether it be men, women, or even the third gender for that matter. Those women who actually manage to break those glass ceilings and become successful, they have the power to inspire a lot of other people to do the same. If you see an inequality happening, talk about it, raise your voice, probably that helps.